Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent, I am Zafar Iqbal and today the topic of my video is David Copperfield, Victorian novel which is written by Charles Dickens. इस जो नावल का कंप्लीट नेम है वो द पर्सनल हिस्ट्री एडवेंचर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। इसके बाद जो इस नावल के कंप्लीट चैप्टर हैं वो हैं 64, इसमें 46 जो हैं वो करैक्टर हैं। और इसके बाद जो इसलिए ये इतना ख़ास है नावल कि ये एक नरेट की हुई है, ख़ुद से नरेट, ये चूँकि इस नावल का हीरो भी है, प्रोटैगनिस्ट भी है और इसने ख़ुद ही जो अपनी लाइफ है वो नरेट करनी है, किस तरह बतानी है, तो इसलिए ये इतना ख़ास है। पहले ये सीरियल में आया लेकिन 1849 टू 1850 के दौरान इसको बकायदा बुक की सूरत में पब्लिश किया गया। तो ये स्टार्ट होती है स्टोरी डेविड कॉपरफील्ड से। डेविड कॉपरफील्ड इस नावल का प्रोटैगनिस्ट है और इसकी जो मदर है वो क्लारा कॉपरफील्ड होती है। अब जब ये डेविड कॉपरफील्ड 6 मंथ का होता है तो इसके फादर डाइड, उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो इसकी मदर है वो अपना ज़्यादा टाइम जो है वो मर्ड स्टोन के साथ, इस आदमी के साथ जो है स्पेंड करने लगती है। तो अब जब 8 ईयर्स का हो जाता है डेविड कॉपरफील्ड, तो उसको जो ये पैगटी है, ये सर्वेंट है किसकी, डेविड कॉपरफील्ड और उसकी जो मदर क्लारा है उसकी सर्वेंट है। अब ये पैगटी जो है ये डेविड कॉपरफील्ड को अपने साथ लेकर अपने भाई मिस्टर पैगटी के पास चली जाती है। मिस्टर पैगटी और पैगटी की जो भतीजी होती है उसका नाम होता है एमिली। वहाँ पर जो डेविड कॉपरफील्ड है उसकी मुलाकात होती है एमिली के साथ और उनकी अच्छी खासी जो है वो दोस्ती भी हो जाती है। अब जब वो वहाँ पर पहुँचता है, कौन, डेविड कॉपरफील्ड, तो ये विजिट के लिए जाते हैं, पैगटी उसको साथ लेकर जाती है। जब वो वापस आती है तो जो उसकी मदर है क्लारा कॉपरफील्ड वो मर्ड स्टोन के साथ मैरिज कर लेती है। अब जब वो वापस आता है तो उसे इस बात से खासा जो है ना सदमा होता है। अब क्लारा जो है और मर्ड स्टोन वो उसको एक एब्यूज स्कूल में भेज देते हैं जहाँ पे उसकी दोस्ती होती है जेमी ट्रेडल्स के साथ और जेम स्टीरफोर्ड के साथ। अब जब इन दोनों के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है तो इसी दौरान जो क्लारा कॉपरफील्ड है उसकी एक न्यू बेबी के साथ डेथ हो जाती है। अब इसी दौरान जो डेविड है उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है। स्कूल छोड़ने के बाद जो इसका ये फादर होता है मर्ड स्टोन, जिसके साथ उसकी माँ के बाद में शादी होती है, वो इसको लंदन भेज देता है एक काउंटिंग हाउस पर जहाँ पे वो उसको काम करना था। वहाँ पर जाते ही उसकी मुलाकात होती है मैकवेल फैमिली से। मैकवेल फैमिली जो है इसमें जो मिसेस मैकबर हैं और मिस्टर मैकबर हैं वो काफ़ी काइंडनेस होते हैं और वो उनका जो डेविड के साथ जो बिहेवियर है वो खासा अच्छा होता है। अब वहाँ पर जाने के बाद वो वहाँ पर बहुत जो है ना उससे काम लिया जाता है, तो वो वहाँ से भागकर अपनी जो ग्रेट आंट है उसकी मिस बेट्सी उसकी ग्रेट आंट है वो उसके पास चला जाता है और वो एक डिसेबल माइंड आदमी मिस्टर डिक के साथ रह रही होती है। अब वो जब वहाँ पहुँचता है मिस बेट्सी के पास डेविड, तो वहाँ पर वो काफ़ी जो है ना मिस बेट्सी परेशान हो जाती है कि अब मैं इसके साथ क्या करूँ। मिस बेट्सी जो है वो डेविड कॉपरफील्ड को अपने एक लॉयर मिस्टर विकफील्ड की तरफ भेज देती है। अब वो उसकी एक बेटी होती है एग्नेस, मिस्टर विकफील्ड की, तो एग्नेस के साथ डेविड की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। वहाँ पर जाने के बाद उनका एक सर्वेंट होता है हीप। अब जो हीप है इसकी ये इस नावल का विलन बनने वाला है, तो इस पर आपने गौर करना है। अब जब वो वहाँ पहुँचता है उसके वहाँ जाने के बाद वो दोबारा जो है मिस बेट्स उसको लंदन भेज देती है। अब लंदन जाने के बाद वहाँ पर उसके जो वो एब्यूज स्कूल की जो उसके दोस्त थे जेम्स स्टीरफोर्ड उसके साथ उसकी मुलाकात होती है डेविड की। डेविड की इस मुलाकात में जो जेम्स स्टीरफोर्ड है वो उसकी अपनी मदर जो मिसेज स्टीरफोर्ड और उसके साथ एक
यंग खातून होती है रोजा डाल्टे, उनकी मुलाकात करवाता है अपने दोस्त डेविड कॉपरफील्ड के साथ। अब इसी दौरान ये जेम्स स्टीलफोर्थ और डेविड जैन ये जाते हैं जो मिस्टर पैगटी है उनके यहाँ। वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि जो एमली है उसकी एंगेजमेंट हो रही होती है उसके अपने ही कज़न हैम के साथ। अब जो एमली होती है वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तो जो डेविड कॉपरफील्ड है एक्चुअली जो होती है एमली वो प्यार करती होती है उसको लव होता है लव अफेयर होता है जेम स्टीलफोर्थ के साथ। जो जेम्स स्टीलफोर्थ है वो भी एमली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है हत्ता कि वो एक अपनी जो है कश्ती है उसका नाम भी एमली रख देता है। तो इससे जो डेविड कॉपरफील्ड है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि जो एमली है वो इस मैरिज से इस एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो वह यहाँ पर इस स्टोरी का आज हम एंड करते हैं, ये पार्ट वन था। इसके आगे हम आपको बताएंगे इसकी अगली स्टोरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो करेक्टर हैं इनकी आपको समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो है मामा वो मैं आपको बाद में बताऊँगा इसकी स्टोरी नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।